आज हम बहुत ही टेस्टी और यमी केक बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है। घर में जो सामान अवेलेबल है उसी से बनाएंगे और बिना ओवन के बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है, 1/2 कप चीनी, 1/3 कप दही और 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। तो आप अगर चॉकलेट केक बनाएंगे तो 1/3 कप चॉकलेट पाउडर। तो यहाँ मैं चॉकलेट केक ही बना रही हूँ। और एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, कोई महक वाला रिफाइंड ऑयल नहीं डालेंगे, मतलब और अब चीनी को पीस लिया है, पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, होममेड दही। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। उधर कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। फिर स्टैंड डाल दें, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी या प्लेट रख। अब केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं, ग्रीस केक टिन को पहले तैयार कर लें, तब इसका बैटर तैयार करें केक। अब मैदा को छान लेंगे, जो हमने चीनी रिफाइंड दही का घोल बनाया था उसमें मैदा को ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1/3 कप कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1/2 कप बेकिंग सोडा लिया है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसको भी छान लेंगे, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 1 पिंच नमक डाल देंगे। एक 1/2 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इतना दूध बच गया, मतलब 1/3 कप दूध लगा। अब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसे भी डाल के एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। अच्छे से बेकिंग पाउडर को भी मिला लें। उधर कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पे। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब केक टिन में बैटर को डालेंगे, बाकी के बच्चे चम्मच से डाल देंगे। अब इसे टैप कर लें, जो एयर बबल्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे केक टिन को। और ऐसा ढक्कन मत प्लेट डालें इस पर कि जो पूरी तरह से कवर हो जाए। मेरे पास कोई प्लेट कवर नहीं हुए तो मैं ये बड़ी सी बर्तन थी उसे डाल दिया। और इसे मतलब 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें, देख चेक करते रहेंगे। देखिए 20 मिनट हो चुका है, चेक कर लेंगे। अभी केक बेक नहीं हुआ है, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। 10 मिनट और बेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन आ रहा है, दूसरे 20 से भी चेक कर लेते हैं, चाकू क्लीन आ रहा है, केक बेक हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि बेक हो चुका है ना फिर कढ़ाई भी बहुत गर्म रहता है तो जल जाएगा। अब इसे ढक के ठंडा होने तक के लिए छोड़ देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब डिमोल्ड करेंगे। अब केक ठंडा हो चुका है, इसे डिमोल्ड कर लेते हैं, इसे निकाल देंगे।
बटर पेपर को भी अलग कर देंगे। देखिए बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है, चॉकलेट केक बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर बच्चे जिद कर रहे थे क्रीम वाला खाना, तो मेरे पास ये चॉकलेट डेरी मिल्क केक पड़ा था। इसको बारीक बारीक काट लेंगे। वैसे तो चॉकलेट केक है तो डार्क चॉकलेट ही मतलब इसमें डाले ज़्यादा अच्छा लगे। इसे बारीक बारीक चॉप करके एक बाउल में डालेंगे। और इसमें बटर डालेंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे, गुनगुना दूध। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो केक में शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, चॉकलेट और बटर। देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़े थे वो भी डाल दिए। अब इसे ऊपर से काट के हटा लेंगे। आप चाहें तो इसे काट के शुगर सिरप बना के गार्निश कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से चॉकलेट सिरप डालेंगे। इस तरह से सारे में डाल देंगे और इसे इवनली फैला लें। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, लेकिन केक जहाँ बन जाता है बच्चे को पेशेंस कहाँ होती है। बस चलिए अब केक को काट लेते हैं। आप भी इस तरह से बना सकते हैं फटाफट से। 30 मिनट लगे बेक करने में, बहुत जल्दी बेक हो गए। इस तरह से सारे पीसेस अलग कर लेंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग ही नहीं रहा था, मतलब घर में बना है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। केक यम्मी सा केक बनकर तैयार है, बच्चे को बहुत पसंद आए, मतलब इतना अच्छा टेस्ट क्या मैं बाहर से लाई थी उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।